अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश और सभी प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स के जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी के लिए बात करेंगे। तो यदि आप अपने घर पर किसी भी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर बताना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी यहाँ तक कि आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा कि अचानक से जो चैनल है वो चलते चलते बंद हो जाता है, सिग्नल्स की हमें समस्या देखने को मिलती है, या फिर ऐसा भी होता है कि चैनल पर चलते चलते पिक्सलेट जो है वो फटने लग जाते हैं। तो कह लिया जाए तो पूरी तकनीकी समस्या जो है वो हम कुछ दिनों से झेल रहे हैं, और इसको लेकर मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट भी किया था कि सर हमें प्लीज़ बताइए कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई तकनीकी समस्या नहीं है और ना ही हमारे जो छत पर डिश एंटीना लगा हुआ है उसकी ओर से समस्या है। ये समस्या है हमारी सन आउटेज की। जी हाँ, सन आउटेज जो होती है वो हमारे दो सीजन में होती है, एक होती है हमारी समर में और एक होती है विंटर में। तो जब भी इन दोनों सीजन की शुरुआत होने वाली होती है तो उसी दौरान हमें इन समस्याओं से उजागर होना पड़ता है। अब देखिए, दो चीज़ों का आपको मैं ध्यान से समझाना चाहूँगा। जब हमारी गर्मियों की शुरुआत होने लगती है तो इस दौरान सूरज की जो किरणें होती हैं धरती के पास जब पहुंचती हैं, तो उस दौरान जब सैटेलाइट बिल्कुल बीच में आ जाता है तो उस दौरान जो सिग्नल की इंटरप्शन हमें देखने को मिलती है वो यही होती है कि हमारे जो चैनल हैं वो अचानक से चलने बंद हो जाते हैं, और उस पर कई बार ऐसा मैसेज भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलता होगा कि ये जो सन आउटेज की समस्या है वो कुछ ही मिनटों के लिए रहेगी या फिर कुछ आधे पौने घंटे के लिए रहेगी, और उसके बाद जो है आपकी समस्या आपके लिए सोल्व हो जाएगी और जो चैनल है वो प्रॉपरली चलने लगेगा। तो ये जो है हर वक्त नहीं होता है, केवल दो सीजन में ही होता है, जब गर्मियों की शुरुआत होने लगती है या फिर जब सर्दियों की शुरुआत होने लगती है। तो इन दिनों अब हमारी सर्दियों की शुरुआत हो रही है तो आपको इन समस्याओं से उजागर होना पड़ रहा है। अब 2 महीने जो है आप कंफर्म कर लीजिए, एक होता है अप्रैल का महीना और एक होता है अक्टूबर का महीना। इन दोनों महीनों में आपको सन आउटेज की समस्याओं को देखना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में सिग्नल्स की समस्या रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर बताना चाहूँगा, सन आउटेज की समस्या है वो हमेशा महीने की शुरुआती हफ्ते में रहती है, यानी जो पहला हफ्ता होता है उसी में ही आपको देखने को मिलेगी। अगर अप्रैल का पहला हफ्ता शुरू हुआ है गर्मियों के लिए तो उस दौरान आपको समस्या देखने को मिलेगी, या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में देखने को मिलेगी। तो करीब 7 या 8 के आसपास यानी दशहरे के बाद आपकी जो समस्या है वो आपके लिए दूर हो जाएगी और आपको कोई भी इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है और ये जो है अपने आप ही सोल्व हो जाएगी, ये हमेशा से हमारे लिए आती ही आती है। इसको लेकर आप अपने डिश एंटीने को बिल्कुल भी मत हिलाइएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पर्सनली पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी हमें फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको वहाँ पर भी अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती रहती है। नमस्कार।